नमस्कार, स्वागत है आपका ई अधिवेशन में। महापौर अधिवेशन में तमाम महापौरों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब बारी है मेरठ की। मेरठ की महापौर सुनीता वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका इंडिया न्यूज पर। सुनीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, शायद मेरी आवाज अब तक उन पर नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मेरठ में क्या स्थिति रही कोरोना काल में, या फिर कहें कि सेकेंड वेव में, अलग अलग जो तमाम महापौर हैं उनकी भी भूमिका क्या रही है, और कैसे उन्होंने अपने शहर को और शहर के साथ अगर ग्रामीण अंचल का कुछ हिस्सा भी निगम के दायरे में आता है तो उस पर भी अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। और ना सिर्फ शहर और ग्रामीण अंचल जो कि निगम के दायरे में है, बल्कि उसके साथ साथ निगरानी समितियों को जिम्मा दिया गया था पंचायतों के लिए, तो उन पर भी उनकी तरफ से कुछ पहल की गई है क्या? सुनीता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका। हेलो सुनीता जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी हाँ जी, मुझे आ रही है आवाज। बहुत स्वागत है मैम आपका। एक बार फिर से मैं आपको आपका स्वागत कर रहा हूँ, और साथ ही हम सवाल शुरू कर देते हैं। अब महापौर के तौर पर आपकी सबसे प्रथम जिम्मेदारी हो जाती है अपने पूरे निगम के साथ साथ, निगम से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ, शहर और ग्रामीण अंचल का भी हिस्सा अगर निगम के दायरे में है, सबका ख्याल रखना प्रथम जिम्मेदारी आपकी होती है। कितनी चुनौती थी और मेरठ को कैसे संभाला कोरोना काल में, पहले लहर या फिर कहें कि दूसरे स्टेट में? हमने अपने शहर को पूरे अच्छी मतलब पूरी तरीके से संभाला। कोविड महामारी जो इस तरह से फैली हुई थी, हमने कोविड में हमने विशेष ध्यान, विशेष जो सफाई का अभियान विशेष ध्यान रखा जी। और कोविड जो पेशेंट पाए जाते थे वार्डों के अंदर, उनके लिए हमने क्या नाम जी की व्यवस्था पूरी एक वो बनाया था नगर निगम में। हमने जन सुविधाओं के जो कंट्रोल रूम बनाया, जिनसे वो अपनी समस्या जो वहाँ पे बता सकते थे। और हमने डेस्क बना बना के जो है सैनिटाइजेशन वार्डों में, हर वार्ड में कराया इसका। और इसकी नागरिकों को जो पूरी हमने सहायता पूरी दी, और कोविड को रोकथाम के लिए हमने विशेष अभियान भी चलाया जो अभी तक भी चल रहा है जी। और हमने गरीबों के लिए किट की व्यवस्था, हाँ जी किट, दवाइयाँ, इन सब की व्यवस्था भी करवाई, हाँ जी। और जो रसोई, हमने रसोई भी चलवाई, जो गरीबों को, कुछ लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था वो खाना भी हमने पहुंचाया जी, और पहुंचा रहे हैं, अब भी चल रहा है। ठीक है, यानी वो काम अभी भी जारी है, क्योंकि लड़ाई अभी और लंबी हमें लड़नी है, और आपको भी पता है जी सुनीता जी। लेकिन कितना इसमें सहयोग मिल पाता है सरकार का, कितना सहयोग रहा, क्योंकि मॉनिटरिंग लखनऊ से भी हो रही थी पूरे प्रदेश की, आप लोगों से भी बातचीत होती रही होगी लगातार, आप लोग भी उनसे संपर्क साधते होंगे जी। जी सरकार का सहयोग, जैसे जैसे गाइडलाइन उनकी हमारे पास आती रही, हम उन्हें इसी गाइडलाइन पे हमने काम किया है। सब अधिकारियों ने मिलके, नगर निगम के कर्मचारियों ने मिलके, हमने पूरे अपने शहर को अच्छी मतलब वो दी है, जितनी ज्यादा ज्यादा हो सकती थी कोविड महामारी में हमने उनका सहयोग प्रदान किया है। हमारा, मैंने खुद जो है पूरा निरीक्षण नगराय साहब से रात शाम को रोज डेली इस पर वार्ता की जाती थी कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ऐसी महामारी में अस्पतालों में, प्राइवेटों में जो है, ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में इतनी मतलब लूट खसोट डॉक्टरों ने की है कि गरीब आदमी जो है ऑक्सीजन की वजह से जो कितनों की डेथ हो गई, घर बर्बाद हो गए। तो ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि वो हमने तीन जगह जो है प्लांट की मतलब सिलेंडरों की व्यवस्था करवा के हर मरीजों को जो हमने सिलेंडर उपलब्ध कराए। तो इनकी पूरी जानकारी कहाँ कहाँ क्या क्या काम डेली हुआ है, इसके पे सब वार्ता हम शाम को मिलके नगर हिसाब से करते हैं बैठ के, कि जो ये सब जानकारी हमें घर बैठ के खुद लेती हूँ, खुद करती हूँ। और जो मतलब जितनी ज्यादा ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि किस चीज की किसी को दिक्कत ना हो। चलिए, ये अच्छी बात है कि कोशिश अभी भी जारी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था सुनीता जी, ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, थर्ड वेव की आशंका है, ना आए तो बेहतर है, लेकिन हमें तैयार रहना है। ऑक्सीजन की कमी का आपने खुद जिक्र किया कि थी, लेकिन उसको लेकर जो तैयारी की गई कि अब आगे भविष्य में प्रोडक्शन भी रहे, प्लांट को मेरठ में विस्थापित किया जाए ताकि कहीं और से लाने की जरूरत ना पड़े। सुनीता जी,
आपने कहा कि डॉक्टरों और खासतौर से अस्पताल, हालांकि मैं नहीं कहूंगा सारे डॉक्टर या सारे अस्पताल लूट खसोट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस आपदा में भी अवसर तलाशते हैं। आपको खुद एहसास और आपने खुद इसकी मॉनिटरिंग की, उन पर एक्शन आप लोग कैसे ले रहे हैं? नगर आयुक्त साहब से आप लोग डेली जब रिपोर्ट लेते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे साझा करते हैं, अब उन पर एक्शन कैसे ले रहे हैं? हमने डीएम साहब और कमिश्नर साहब से मतलब उनको लेटर भी लिखे हैं इस वार्ता पे जी। हाँ जी, तो डीएम साहब और कमिश्नर साहब को हमने लेटर लिखे इस मामले में कि इनकी जांच कराई जाए, कि जिन अस्पतालों में क्या नाम जी इस तरह का माहौल बन रहा था कि ऑक्सीजन मरीजों को नहीं दी जा रही थी, तो उस तरह का जो है मतलब उन्होंने फिर की इनके सरकार के द्वारा मतलब उनको सरकार को शासन को भेजा जाए और इनकी जांच कराई जाए। और ठीक है, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, जैसा सुनीता जी आप कह रही हैं कि अभी भी कोशिशें जारी है, मेरठ को आप किस स्थिति में देख रही थी और अभी देख रही हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मेरठ क्या उस स्थिति में पहुंच गया था या बचा हुआ था, और उसके बाद आप लोगों ने कि और खराब स्थिति ना हो उसको लेकर एक घेराबंदी की? जी जी, क्या बहुत स्थिति खराब थी मेरठ की, लेकिन अब कुछ हद तक इतनी है कि काफी मरीज इतने मिल रहे थे कि रोज कई हजारों की संख्या में मरीज मिल रहे थे जिनकी डेथ भी हो रही थी, लेकिन काफी हद तक जो है नगर निगम द्वारा हमने कंट्रोल किया है इस चीज को, और जो काफी हद तक मतलब मरीजों को राहत मिली है। हमने जरूर से ज्यादा जितना हो सकता था उनकी कमियों को पूरा किया है। सुनीता जी, आप पर जिम्मेदारी ना सिर्फ शहर की है बल्कि उसके साथ साथ जो तमाम पार्षद हैं, अलग अलग पार्टियों से वो होते हैं, सिंबॉलिक जब चुनाव वो लड़ते हैं, या फिर निर्दलीय भी होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उन सबको एक साथ रखना होता है। मेरठ में कई बार हमने देखा चुनौती आपके लिए थी, कभी किसी नारे को लेकर विवाद हो जाता था, लात घूंसे तक चल जाते थे, लेकिन कोरोना काल में मुझे लगता है कि सबका सहयोग बहुत ज़रूरी था। वो सहयोग मिला आपको या आपने उन सबको समझाया कम से कम कि ये दौर है जहां हमें मिलकर काम करना है, टीम वर्क होनी चाहिए? नहीं, हाँ, ये टीम हमने पूरे पार्षदों को लेके मीटिंग की, सभी को जिम्मेवारी दी, हर वार्ड की जिम्मेवारी दी हमने, अपने अपने वार्डों में पार्षदों को काम सौंपा गया, एक इस टीम बना बना के लोगों ने जो काम किया है कि जैसे कोई गरीब की डेथ भी हो जाती है तो उसका ही खर्चा उसके धर्म के अनुसार उनका जो है अंतिम संस्कार जो इस रूप में सब नगर निगम ने कराया, और हर वार्ड को पार्षदों को भी जिम्मेदारी दी इस चीज की कि कहीं भी ऐसी कोई मतलब घटना होती है या कोई बॉडी मिलती है किसी की तो उस चीज का खर्चा जो वार्ड का पार्षद निगम को देगा और निगम उसका खर्चा उठाएगी। सहयोग सभी का मिला, सभी पार्षदों का? जी हाँ जी, सभी पार्षदों का सहयोग मिला है, सभी पार्षदों ने मिलकर अपने अपने वार्ड में ठीक तरह से काम किया, जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है वो अपने ठीक तरह से काम कर रहे हैं। सुनीता जी, मेरठ में जो मौजूदा स्थिति थी उसमें अब हमें थर्ड वेव की तैयारी को भी ध्यान में रखना है, उस पर काम करना है, खास तौर पर अगर आपके जरिए मैं जानना चाहूं कि आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एक सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की कोशिश है, उस पर तो काम चल ही रहा होगा, लेकिन उसके अलावा निगम उसके पैरेलल किस तरीके से अपनी व्यवस्था कर रहा, हॉस्पिटल की बात कर लें, अन्य सुविधाओं की बात कर लें, उसका रोड मैप खुद आप लोगों ने क्या तैयार किया है? अभी तो जो दूसरा लाइन चल रही है अभी तो उसी पे काम चल रहा है, अभी जैसे ही सरकार की गाइडलाइन भी आएगी तीसरे के लिए हम उसी हिसाब से जैसी गाइडलाइन होगी उससे आगे जाके बढ़ के काम करेंगे कि तीसरी लाइन का भी हम सामना कर सकें। तो अभी उसकी तैयारी अभी से ही हम करके मन बना के करके चल रहे हैं कि ये हमें झेलना पड़ सकता है, तो हम उसकी तैयारी भी रखेंगे पूरी साथ साथ। आज वार्ता भी है, प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी तमाम लोगों से वर्चुअली मुलाकात करेंगे, उनसे डिटेल्स लेंगे, उसको लेकर किस तरीके की आप लोगों की तैयारी है और फिर उसमें क्या चुनौतियां आपको लगता है जो आवश्यकता के तौर पर आप बताना चाहेंगी कि हाँ ये हमारी ज़रूरतें हैं, ये मेरठ के लिए चाहिए, इसमें और कुछ एड ऑन हो जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर स्थिति में हम रहेंगे? जी जी,
वो हाँ उनसे वार्ता है, अगर किसी तरह की हम अभी नगराज साहब से भी बात करेंगे किस तरह की अगर कोई हमें ज़रूरत का कोई है तो हम अपनी जो बात जो है उनसे मुख्यमंत्री जी से कह सकते हैं। सुनीता जी, एक चुनौती ये होती है खासतौर से एक महिला होने के नाते और मेयर होने के नाते भी आपके लिए वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तमाम माताएं होंगी, तमाम बहनें होंगी, तमाम परिवार हैं। आप महिला हैं तो कोई आपको माँ के रूप में देखता है, कोई बहन के रूप में, कोई बेटी के रूप में। उसमें किस तरीके से आप एक समुचित व्यवस्था बनाती हैं ताकि वो जिम्मेदारी भी आप निभा पाएं? ज़रूरतें किस तरीके की लोगों की इस दौर में बदली हैं, क्योंकि कोरोना काल में प्राथमिक तौर पर हम देखें जब शुरुआत हुई थी तो राशन पहुंचाना, कुछ और चीज़ों को पहुंचाना, ये सब कुछ सरकार के तौर पर, नगर निगम के तौर पर किया गया था। सेकेंड वेव में ज़रूरतें बदली, ऑक्सीजन की समस्या, दवाओं की समस्या, आने जाने की समस्या, हॉस्पिटल में एडमिशन को लेकर समस्या, ये सारी चुनौतियां कैसे आप लोगों के सामने खड़ी थीं और इसका आपने निदान भी किया? जी, पहली लहर में जो समस्या आई थी वो ज्यादा लोगों को खाना रोजगार जो मतलब खाने की दिक्कत थी, रोजगार की दिक्कत थी, वो ज्यादा आई थी। तो उसमें हमने अपनी अपना पर्सनल किचन भी चलाई थी, हमने कई महीने तक लोगों को, गरीब लोगों को खाना दिया था। लेकिन दूसरी लहर में समस्या ऑक्सीजन की ज्यादा आई, इसलिए हमने ऑक्सीजन की समस्या ज्यादा हल करी लोगों की। तो खुद अपने घर भी सिलेंडर हमने रात को भरवा भरवा के रखे कि रात में पता नहीं किसको कब जरूरत पड़ जाए, वो चीज भी हमने अपने पर्सनल खर्चे से भी करी है जी, है ना। और निगम से भी हमने तीन तीन जगह तीन तीन समुदाय केंद्र बनवाए कि वहाँ पे जो कोई दिक्कत ना हो, सिलेंडर वहाँ पे खाली लेके आओ और भरवा के ले जाओ। और पर्सनल हमने घर से की, और नगर निगम से हमने तीन तीन समुदाय बनवाए, तो वो उनकी समस्या हमने वहाँ से बिल्कुल हल करी कि किसी को कोई दिक्कत किसी मरीज को नहीं हुई। जब से निगम ने काम संभाला तब से तो शायद नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले जब तक निगम पे गाइडलाइन नहीं थी या काम नहीं कर रहे थे तो शायद दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसके बाद किसी मरीज को किसी COVID-19 जो भी पाया जा रहा था तो उसकी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। जहाँ भी COVID-19 की खबर आती थी कि कोविड हो गया है, वो मरीज मिले हैं, हमने समय पर एकदम से जाके सैनिटाइजर से भी कराया वार्डों में, उनकी जो दवाई की भी हेल्प करवाई, तुरंत उनको एडमिट भी करवाया। तो अपने हद से मैंने जितना हमारा सका उतना हमने सहयोग किया है। सुनीता जी, अब वैक्सीनेशन भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना से हमें जीतना है तो हर एक व्यक्ति जो कि एलिजिबल है, जिसको ये वैक्सीन लग सकती है, उस तक ये वैक्सीन पहुंचानी है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सरकार अपने स्तर पर बढ़ा रही है, केंद्र सरकार की मदद और उसके बाद राज्य सरकार की डिमांड, और फिर उसको घर घर तक, लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दी जाए कि आपको अब वैक्सीन लग सकती है। इसको आप लोग कैसे तालमेल बिठा रहे हैं, या इसमें कोई दिक्कत आ रही है? क्योंकि कई अलग अलग जगहों से ऐसी खबर आती है कि वैक्सीन नहीं है, या फिर वैक्सीन है तो लोग उसके लिए उतने उत्सुक नहीं है, या उनके मन में डर है। कोई जागरूकता कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, इस तरह की काम कर रहे हैं? हाँ, हमने जागरूकता लोगों को संपर्क किया है कि वैक्सीन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब लोगों को वैक्सीन लगवानी है। कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी थी कि वैक्सीन लगवाने से कुछ ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो जो है ठीक नहीं है, मत लगवाओ। लेकिन सबको हम जागरूक कर रहे हैं, लोग सब रजिस्ट्रेशन पूरे जो है, हर जब भी रजिस्ट्रेशन वो खुलता है हम उनके रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करते हैं। और अधिकतर कई मतलब हमारे मेरठ के अंदर तो अधिकतर लोगों ने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी है। हाँ, जैसे रजिस्ट्रेशन का हाँ लाइन होती है तो तुरंत वो जो अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, और करीब करीब हम सबको जागरूक करते हैं कि वैक्सीन लगवाने के लिए उनको, हाँ कि वैक्सीन लगवाओ, सब लोग जागरूक। ठीक है, वैक्सीन को लेकर भी कोई समस्या कम से कम मेरठ में नहीं है, जैसा सुनीता जी आपने लगवाई है तो हमने। जी जी जी, अपनी बात पूरी करें सुनीता जी। जी जी, नहीं है कोई समस्या नहीं है। हाँ जी जी, ठीक है। राजनीतिक कुछ टिप्पणियां होती हैं, उस पर भी मैं चाहूंगा आपसे सवाल लूं, क्योंकि कई बार विवाद होते हैं, कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। मौजूदा दौर में राजनीतिक तौर पर कैसे आप देख रही हैं कि स्थिति दो राजनीतिक या अलग अलग दलों के बीच में ठीक है या ठीक नहीं है? क्योंकि कोई कह रहा है कि बीजेपी की वैक्सीन है मत लगवाओ, फिर बाद में उन्होंने लगवा भी लिया या फिर अपने लोगों से कहा लगवा लो भाई। उसके साथ साथ कई तरह के विवाद भी आए, कई तरह के बयान भी आए अलग अलग पार्टियों के, वो बसपा हो या फिर सपा हो, बीजेपी जो कि सत्ता में है, उसके अलावा कांग्रेस। इस राजनीतिक बयानबाजी को आप कैसे देखती हैं और उसका कितना असर पड़ा, नकारात्मक तौर पर या सकारात्मक तौर पर? जी
जी हाँ, वैक्सीन के लिए हमने लोगों को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी, जब सरकार उनकी है तो बीजेपी का नाम तो देखो आना ही आना है, क्योंकि जब सरकार वैक्सीन बना रही है तो कुछ लोग हैं जो विपक्षी हैं वो बोलते हैं, लेकिन ऐसा सोचना गलत है उनका कि वैक्सीन तो सभी के लिए, कोरोना को, बीमारी को खत्म करने के लिए है, ये गलत है कि वो उन पे आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप तो गलत है कि बीजेपी वालों की है तो वैक्सीन मत लगाओ, लेकिन हमने कुछ लोगों को ऐसे जागरूक किया है कि जो सभी ने वैक्सीन लगवाई है। सुनीता जी, एक तरफ हमें लड़ाई लड़नी है, इस वायरस से लड़ना है, लंबी चुनौती है, हो सकता है कई साल और लग जाएंगे, लेकिन उसी बीच में हमें पैरेलल और ढांचे पर भी काम करना है। निगम कई अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाता है, उन चीजों पर इसका कितना प्रभाव पड़ा? सफाई कर्मियों के साथ साथ तमाम अन्य व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल से लेकर तमाम सुविधाएं जो निगम के अंडर में आती हैं, वो कैसे सुचारू रूप से चल पा रहे? सिर्फ वही नहीं चल पा रहे, बल्कि उससे जुड़े लोग भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, सतर्क होते हुए उस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। बात सफाई की करें तो लोगों में इतना जागरूक है कि आदमी खुद अपने पे डिपेंड है कि वो खुद इस टाइम सफाई करने के, यह है कि हर आदमी को एक दूसरे को बोलते हैं कि हम खुद साफ रहेंगे तो तभी हमारा शहर साफ रहेगा। सफाई को लेके सब जो है जागरूक हो चुके हैं, और समय समय पे हम छोटे छोटे एक अभियान भी चलाते हैं सफाई के, हर वार्ड में हमारे अभियान चलते हैं, और मैं खुद जो है अभियान चलाती हूँ और लोगों को जागरूक करती हूँ और जाके बताती भी हूँ के, लेकिन लोगों के काफ़ी हद तक समझ में आया है कि वो हम जब तक हम अपना घर साफ करते हैं तो हम अपने शहर को भी साफ रखें, हम दूसरों को भी सलाह दें कि हमें सफाई पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आधी बीमारियां सफाई के कारण भी होती हैं। बिल्कुल, जब हम खुद ही साफ नहीं रहेंगे, अपना घर साफ नहीं रखेंगे या अपने शहर को साफ नहीं रखेंगे तो बीमारियां तो अपने आप ही पनपनी है। तो इसलिए सफाई को लेके तो काफी हद तक जो है हमारे मेरठ शहर के लोग जागरूक हो चुके हैं और बाकी को हम जागरूक कर रहे हैं। सुनीता जी, डेवलपमेंट्स के काम भी होते हैं जो कि चलते रहते हैं, बीच में उसमें भी रुकावट आ गई थी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुला तो उस पर भी काम शुरू हुआ। रोजमर्रा की जरूरतें जैसे आम जीवन में होती हैं और लोग उसमें आगे निकले तो वो काम भी बढ़ते रहे, वो कैसे अब और गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कौन कौन से खास काम मेरठ के लिए जो आप लोग करा रहे हैं? मेरठ के लिए खास काम तो अब विशेष कोरोना के बाद ही शुरू होंगे, थोड़ा कोरोना कोविड थोड़ा कम हो जाए इसके बाद ही शहर के विकास की तरफ ध्यान देंगे फिर उसमें। अभी फिलहाल तो जो है लोगों की जान बचाने के लिए ये काम करा जा रहा है कि फिलहाल जो है कोविड थोड़ा सा कम हो जाए, उसके बाद हम शहर के विकास, जो भी कार्य हैं अभी रोक दिए गए हैं वो सब अभी बंद हैं, उसके बाद हम शहर के विकास की तरफ काम करेंगे। पूरा जो रुके हुए काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि जो पुराने काम जो रुक चुके हैं, कई महीने हो गए हैं, उनको जल्दी से निपटाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुनीता वर्मा महापौर मेरठ, उनका कहना है कि लगातार लोगों के बीच में वो हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो हैं, पार्षदों का सहयोग उनको लगातार मिला है, उनसे जब बातचीत की गई भले किसी भी दल के हों तो उनके सहयोग में कोई कमी नहीं है, नगर आयुक्त से उनके हर दिन जब बातचीत होती है, रिपोर्ट जब वो लोग लेते हैं, आपस में साझा करते हैं शिकायतें, तो फिर उसका निदान भी निकलता है, सरकार का सहयोग भी है, लेकिन उस बीच में चुनौती बड़ी है, इसलिए उनका कहना है कि हमें आगे के लिए सतर्क रहना भी जरूरी है। अधिवेशन लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।